नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के गुरु नानक एयरटेक प्राइवेट लिमिटेड में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से गुरु नानक एयरटेक प्राइवेट लिमिटेड के एम्स्टर ने न केवल पूरे करनाल में, पूरे हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में अपनी धूम मचाई थी, और एम्स्टर के बाद अब तोमाशी अपने नाम की धाक जमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तोमाशी की कूलर की अब इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बार मैं आपको तोमाशी के कूलर की प्रीमियम रेंज दिखाना चाहूंगी। ये हमारे प्रीमियम कूलर हैं, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में भी हैं, कलर में भी हैं, और आपके घर की शोभा को भी ये कूलर बढ़ाने वाले। एक बार मैं आपको दूसरी तरफ वंडर जो रेंज है वो भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये वंडर कूलर है तोमाशी के, और जो सबसे खास तोमाशी का जो एक कूलर है थार 100, उसके बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया। एक बार फिर से मैं उस कूलर के पास जाना चाहूँगी। ये है तोमाशी का थार 100 कूलर, जिसकी हवा की बात करूँ, जिसके एयर फ्लो की बात करूँ तो 70 फीट तक इसकी हवा जाती है। वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम एसी नहीं खरीद सकते, शायद इस डर से भी कि एसी खरीद तो लेंगे लेकिन बिजली का इतना ज़्यादा बिल भरेगा कौन, और वो लोग चाहते हैं कि हम कूलर खरीदे, और उनके लिए ये थार 100 एक बेस्ट ऑप्शन ही नहीं बल्कि ओनली ऑप्शन भी बनने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर ये आपके घर में आ जाता है तो 70 फीट तक इसका एयर फ्लो रहने वाला है, वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसके व्हील की बात करूं तो वो भी लॉक हो जाते हैं, यानी कि जहां पर भी आप इस कूलर को रख देंगे, लॉक कर देंगे, तो ये कूलर हिलेगा भी नहीं। इस कूलर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भी हमारे साथ जो गुरु नानक एयरटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं मिस्टर जसविंदर कालड़ा, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और एक आज हम आपको एक रनिंग टेस्ट भी करके दिखाने वाले हैं इसी लाइव वीडियो में, और उस टेस्ट के लिए दो कूलर के बीच में दो अलग अलग कंपनी, एक कंपनी तो हमारी यही है तोमाशी, जिसको लेकर हम आज की फिर से ये वीडियो बना रहे हैं, जो एक खबर आपको दिखा रहे हैं, रिव्यू आपको दिखा रहे हैं उस रनिंग टेस्ट के लिए। आप सभी लोगों से अपील है, इस वीडियो को देखते भी रहें, इसे शेयर भी करते रहो, उसके साथ जुड़े भी रहें, ताकि वो एक रनिंग टेस्ट आप देख पाए। जसविंदर कालड़ा जी से जानना चाहेंगे, सर बहुत बार आपने बताया भी है कि जो स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है तोमाशी के थार 100 की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस कूलर की सबसे खास बात है कि इतना लोग इसको सराह भी रहे हैं, 46-47 लाख लोगों ने ना सिर्फ इस कूलर को देखा है बल्कि इसको खरीद कर अपने घर भी ले जा चुके हैं। नमस्कार महक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम कि आज आप पहली बार हमारे स्टोर पर आ रहे हैं गुरु नानक एयरटेक में। देखिए, हमने बहुत R&D की थी कूलर के अंदर कि कुछ ऐसा मार्केट में कूलर दें जिसकी आवाज़ भी कम हो और जिसकी हवा का फ्लो भी अच्छा हो और बिजली भी कम ले। काफ़ी कस्टमर्स की ऐसी डिमांड आती थी कि एसी जो नहीं बाय कर सकते थे ड्यू टू फाइनेंस या ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने एक काफ़ी R&D की कि जिसके ऊपर हमने आज तोमाशी का थार कूलर निकाला है, जिसका हवा का फ्लो 70 फुट का हवा का फ्लो आ जाता है। और जहाँ तक मैं आवाज़ की बात करूँ, आवाज़ मापने का एक पैमाना होता है डेसीबल में, 60 dB इसकी नॉइस लेवल है, और 20 इंची एग्जॉक्स कॉपर मोटर के अंदर है ये कूलर। अगर आप किसी भी कंपनी का लोहे का कूलर लेते हो, अगर आप देखा होगा आपके घर में भी कई कूलर हो या किसी रिश्तेदार के पास हो, तो 2-3 साल में बॉडी कहीं ना कहीं गलने लग जाती है। 5 साल की हमने इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसा कूलर आया जिसकी बॉडी की वारंटी दी है, 5 साल तक ये बॉडी को कुछ भी नहीं होने वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी बॉडी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि थार अभी थोड़ा स्टॉक की भी प्रॉब्लम रहती है, या कोई कस्टमर का रूम छोटा है, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो 14,000 रुपये नहीं खर्चे थार पे, तो उसके लिए हमारे पास 7,999 रुपये से तोमाशी कूलर स्टार्ट हो जाती रेंज। मैं आपको उसका लाइव टेस्ट दिखाऊंगा कि आज तोमाशी में और डिफरेंट कंपनी में, किसी भी, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, फ़र्क क्या होता है कि आज तोमाशी के अंदर वाइब्रेशन साउंड ही नहीं है बिल्कुल भी। और मैं दिखाता चाहूँगा आपको कि तोमाशी कैसे चलता है और डिफरेंट कंपनी कूलर कैसे चलता है। सर, उस रनिंग टेस्ट से पहले एक बात जानना चाहूंगी कि पहले के टाइम में लोग लोहे के कूलर ज्यादा पसंद करते थे, प्लास्टिक के कूलर जब मार्केट में आए तो दावे तो बहुत ज्यादा किए जाते थे लेकिन उसमें लीकेज की समस्या बहुत ज्यादा होती थी, जिससे शायद पानी बाहर निकलता था तो फर्श भी खराब हो जाता था, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे प्लास्टिक के कूलर में? देखिए, जहाँ तक प्लास्टिक कूलर अभी तक जो मार्केट में आ रहे थे, उन कूलरों का हवा का फ्लो भी कम होता था एज कम्पेयर लोहे के कूलर। लोहे में एग्जॉक्स मोटर लगी होती थी, हमने जो तोमाशी का थार है उसमें एग्जॉक्स मोटर ही लगाई है, बल्कि लोहे के कूलर से भी भारी मोटर लगाई है। लोहे के अगर मैं आपको कूलर की बात करूं, उसमें 15 इंची, 17 इंची या 18 इंची तक एग्जॉक्स लगता था, हमने इसमें 20 इंची एग्जॉक्स मोटर लगाई है, इसी वजह से इसका फ्लो लोहे के कूलर से ज़्यादा है। और थार की ज़्यादा मैं बात करता हूँ और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है,
पाँच साल की तो हमने वारंटी दी है, बट मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इसकी बॉडी 10 साल तक भी कहीं जाने वाली नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसकी। तो 10 साल तक इसकी बॉडी कहीं जाने वाली नहीं है, ये अपने आप में सबसे खास बात है। और सोनू कालड़ा जी ये बात बोल रहे हैं, जसविंदर कालड़ा जी ये बात बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तो शायद ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं रहे। जहाँ भी आप शायद जाते होंगे, आपको सब लोग जानते होंगे। बिल्कुल, अभी काफ़ी जगह ऐसा होता है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन देनी नहीं पड़ती, तो लोग पहचानने लग गए अभी, चाहे हरियाणा में हो या आउट ऑफ हरियाणा हो, क्योंकि आपकी वीडियो ही इतनी मार्केट में पॉपुलर है। एमस्टेड की वजह से जानते हैं या अब तमाशी की वजह से? दोनों की वजह से, चाहे वो एमस्टेड हो या तमाशी हो, दोनों की वजह से जानते हैं। मैं एक आपको लाइव टेस्ट जरूर दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे तमाशी गोलो चलता है। थार का लास्ट टाइम पे लाइव टेस्ट दिखाया था हमने कि थार कैसे चलता था, बट जिन कस्टमरों को 14,000 में नहीं खर्चने या रूम छोटा है, उनको लगता है कि सस्ते में काम चल सकता है। बट ऐसा नहीं कि आज तमाशी का कोई मॉडल सस्ता है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। तमाशी का हर एक मॉडल एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल, देखना भी चाहेंगे और अपनी ऑडियंस को दिखाना भी चाहेंगे वो रनिंग टेस्ट, क्योंकि अपनी ऑडियंस को हमने जोड़ के रखा हुआ है ताकि हम ये रनिंग टेस्ट आपको दिखा पाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 14,000 नहीं खर्चना चाहते, जो चाहते हैं कि मात्र 8,000 का जो अमाउंट है वहाँ से ये कूलर की रेंज शुरू हो जाती है तमाशी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,990 से ये कूलर की रेंज शुरू हो जाती है। ये तमाशी का कूलर है, प्रो 75 बेसिक मॉडल है तमाशी का। सर बेसिक मॉडल है, देखिए पहली बात, तमाशी एक अपने आप में क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमारा कोई मॉडल बेसिक नहीं है, ये एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हमने मॉडल बनाया है। अगर तमाशी का मैं प्रो 75 की बात भी करता हूँ तो आप हाथ लगा के देखो, बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। और जहाँ तक हवा का फ्लो की बात है, हवा का फ्लो इसका भी 45 फुट तक आता है, 45 फीट तक हमारा प्रो 75 का एयर फ्लो भी है। अगर आप कंपटीशन में अगर 75 लीटर का कोई प्लास्टिक कूलर लोगे तो उसका प्राइस लगभग 10 से 12,000 होता है, बट तमाशी 7,990 में टू द कस्टमर हम 75 लीटर का प्लास्टिक कूलर दे रहे हैं। सर वाइब्रेशन की आपने बात की, जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं, जो लोग आवाज़ ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। यस बिल्कुल, मैं आपको एक इसमें अभी दिखाता हूँ, वाइब्रेशन भी नहीं हो रही इसमें। ये देखिए, ये पानी का भरा हुआ गिलास है, ये मैंने इसके ऊपर रखा है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं पानी का जो भरा हुआ गिलास इस कूलर के ऊपर रखा है, ये जरा भी नहीं हिल पा रहा है। सर इसका कारण क्या है कि वाइब्रेशन इतनी नहीं होती, हैवी ड्यूटी कूलर है इस वजह से? हाँ जी, हमने जो इसमें जो बॉडी बनाई है, बॉडी बड़ी हैवी ड्यूटी बनाई है, एंड मोटर हाई क्वालिटी की लगाई है, फैन बैलेंसिंग बहुत अच्छी की है, ताकि कस्टमर को एक यूनिक हाई क्वालिटी हम अच्छे रेटों पे दे पाएं। और अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इस कूलर में पानी तक नहीं डाला हुआ। सर वाटर लीटर कैपेसिटी की बात करूं तो उसको लेकर क्या कुछ है? 75 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसकी, पानी 75 लीटर आ जाता है और एक घंटे में 3 से 4 लीटर पानी लेता है। और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किसी दूसरी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, वैसी कूलर एक पड़ा हुआ था हमारे स्टोर पे, मैं दिखाता हूँ वो भी कैसे चलता है। क्या बात है, एक दूसरा कूलर किसी भी XYZ कंपनी का ये कूलर है। कंपनी का हम नाम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि किसी भी टेस्ट में कंपनी का नाम नहीं दिखाया जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा कूलर है जिसकी वाइब्रेशन का भी हम टेस्ट करेंगे, एयर फ्लो का। सर एयर फ्लो का भी टेस्ट एक बार करके दिखाएंगे। हाँ जी, एयर फ्लो अगर इसका एयर फ्लो 20 से 25 फीट तक तो जाएगा, ये 45 फीट तक नहीं जाएगा। तमाशी का जो प्रो 75 भी है, 45 लीटर की एयर थ्रू है उसका। अब देखिए ये गिलास पानी का मैंने रखा है इसके ऊपर, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं जो पानी का गिलास इस कूलर के ऊपर रखा हुआ है उसका पानी हिल भी रहा है। ये लाइव टेस्ट, यहाँ पर लाइव रनिंग टेस्ट, मुझे नहीं लगता शायद सर कोई भी कंपनी इस तरीके से कोई टेस्ट करके दिखाती है। देखिए जैसे कहते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको डर नहीं होता कोई भी। आज अगर हमने इंडस्ट्री में एक अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की है हम, ताकि कस्टमर को हाई क्वालिटी एक अच्छे रेटों पर दे पाएँ। कोई भी कस्टमर चाहे करनाल में हो या हरियाणा में हो या इंडिया में कहीं भी हो, तमाशी के किसी भी मॉडल को किसी भी कंपनी के साथ क्वालिटी कंपेयर कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी कंपनी से तमाशी का कोई भी मॉडल हल्का नहीं होगा, 21 ही मिलेगा, 19 नहीं होगा कोई भी। तमाशी एक जैपनीज टेक्नोलॉजी से बना हुए ये तमाम जो प्रोडक्ट है, और जैपनीज टेक्नोलॉजी की बात करूं, जापान की टेक्नोलॉजी अपने आप में सबसे ऊपर मानी जाती है किसी भी टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैपनीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ तमाशी के ये जो कूलर हैं, इनके एयरफ्लो के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। सर एक बार इसका भी टेस्ट हो जाए, एयरफ्लो का भी। हाँ जी बिल्कुल,
अगर एयर फ्लो की बात करें, अभी देखो हमारे शोरूम में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। थार का तो आपने बहुत बार बता दिया कि 70 फीट तक हवा जाती है, जो ये बेसिक मॉडल है इसके कितने फीट तक हवा जाएगी? 45 फीट तक जाएगी और विदाउट एनी नॉइस। इसकी जो नॉइस की जहाँ तक बात है, तुमाशी के प्रो 75 की नॉइस लेवल इज 55 dB, 55 dB है, थार की 60 dB है। कॉम्पिटिशन की नॉइस थोड़ी ज़्यादा ही होती है। मैं नाम नहीं लूँगा प्लीज़ किसी का भी, इसमें किसी भी कंपनी का हम नाम तो नहीं लेंगे जी सर। आप देखिए सारे पेपर भी हिलने स्टार्ट हो गए अभी, जैसे कूलर चलाया हमने। ये कूलर चलते ही है जो आप देख सकते हैं, तमाम जो ये शोरूम में ये जो टैग्स हैं वो हिलना शुरू हो चुके हैं। इसका एयर फ्लो आप देख सकते हैं, ना केवल थार 100 की मैं बात करूं, बल्कि अगर मैं बात करूं तोमाशी के जो ये बेसिक मॉडल है उसके एयर फ्लो की भी, तो उसके भी 40 से 45 फीट तक इसका एयर फ्लो आता है। अगर मैं यहाँ पर भी खड़ी हुई हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझसे कुछ काफ़ी दूरी पर वो कूलर पड़ा हुआ है और यहाँ तक भी उस कूलर की हवा आ रही है। यहाँ पर भी उस कूलर की जो ठंडक का एहसास है मुझे यहाँ तक भी फील हो रहा है। सर अगर एक बार हम दूसरे कूलर का भी ट्राई कर लें और अपने ऑडियंस को दिखा दें, क्योंकि लाइव इस वक्त टेस्ट चल रहा है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये दूसरा कूलर है, इसका भी एयर फ्लो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मार्केट में आपको तोमाशी से ज़्यादा रेंज में ज़्यादा आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं इन बाकी कूलर्स के लिए, लेकिन जो उनका एयर फ्लो होता है, जो उनकी साउंड क्वालिटी होती है वो किस तरीके से होती है तोमाशी के लेवल पर, वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को देखते भी रहें और इसे शेयर भी करते रहें। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर हम तोमाशी के कूलर के लिए खड़े थे उससे थोड़ा सा मैं और आगे आ जाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी एयर फ्लो तोमाशी का आ रहा था उतना इस दूसरे कूलर का नहीं आ रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे एयर फ्लो को लेकर? देखिए यही टेक्नोलॉजी है जिसमें हवा का फ्लो ज़्यादा हो और आपका नॉइस कम हो और पावर कंजम्पशन भी कम रहे, यही टेक्नोलॉजी है। यही टेक्नोलॉजी हमने तोमाशी में यूज़ की है अपने सभी मॉडल्स में। हमने हाई एंड क्वालिटी जिसमें कि आवाज़ भी कम है और हवा का फ्लो ज़्यादा है एंड प्राइस भी कोशिश किया कि कस्टमर को रिजनेबल रेट के ऊपर सभी मॉडल दें। सर अगर मैं लास्ट में बात करूं कि तोमाशी के कूलर्स की कहां कहां तक डिमांड आ रही है पूरे इंडिया में, अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्टेट से डिमांड आ रही है? देखिए ज़्यादा इंडिया में मैं बात करूं, हमने ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स पे टू द कस्टमर भी डिलीवरी दी है। अगर राजस्थान की बात करें, यूपी, बिहार एंड पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हमने तमिलनाडु, काफ़ी कस्टमर्स जो ऐसे थे जो हमारी एड देख के उन दिनों हमसे कांटेक्ट किया और हमने गति ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको होम डिलीवरी भी दी है। सर जो लोग डोमेस्टिक पर्पज़ से नहीं बल्कि कमर्शियल पर्पज़ से भी, यानी कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी जुड़ना चाहें, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए जो जितनी जल्दी तोमाशी के साथ जुड़ेगा उतना ही ज़्यादा अर्न करेगा। कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना चाहता है तो वेलकम है उनके लिए। नंबर हमारे लिखे हुए हैं, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और जहाँ तक हो स्टॉक की बात है, अभी स्टॉक का भी बहुत इशू है, अभी स्टॉक हम दे नहीं पा रहे हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा नेटवर्क खोल भी नहीं पा रहे हैं। तो लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टॉक की अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम है, क्योंकि महाराष्ट्र तक से साउथ की भी अगर मैं बात करूँ वहाँ से भी तोमाशी के कूलर्स की लगातार डिमांड सामने आ रही है। और ये हमने आपको तोमाशी का बेसिक मॉडल दिखाया, यानी कि अगर आपको थार 100 नहीं खरीदना, अगर आपकी फैमिली छोटी, अगर आप सिंगल पर्सन है अपने घर में अकेले रहते हैं तो भी ये कूलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है सिर्फ 8000 की रेंज में। और एक और ख़ास बात जो बिना बताए शायद मैं आज यहाँ से जाने नहीं वाली कि शादियों का सीज़न है, शादियाँ भी हो रही हैं, हालांकि कोरोना का सीज़न तो चल ही रहा है, शादियों का सीज़न है और थार का जो डिमांड है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन कूलरों को इवेंट्स वाले, फंक्शंस वाले 28-28, 30-30 हज़ार में खरीद रहे थे, 14 हज़ार में उनको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। आप सभी लोगों से अपील, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखते भी रहें और इसे शेयर भी करते रहें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखते भी रहें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।